ये है रावलाकोट की सबसे बड़ी आबशार। आइए आपको लेके चलते हैं कि जिला रावलाकोट के अंदर। जब आप आते हैं बाघ वाली साइड तो भंग बजरी से आपको लिफ्ट में आना पड़ेगा। जिला बाघ से होकर जिला रावलाकोट तक आपको लिफ्ट लेके आएगी। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी ट्रैकिंग, जो कि 20 मिनट की ट्रैकिंग होगी। 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद आप इन खूबसूरत जंगलात और इन खूबसूरत आबशारों और खूबसूरत झरनों के साथ गुजरते हुए आ जाएंगे इस मुकाम पे। इसे कहते हैं हम हिला आबशार, यानी के ये बैक साइड का एरिया वो उसका नाम है हिल गाँव का। इसके तवज्जो से इसका नाम रखा गया है हिला आबशार। कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। प्यारे नज़ारों को आप इंजॉय कर सकते हैं और खूबसूरती को आप दोबारा कर सकते हैं। इसे आप चेक करें, तकरीबन 100 फीट से ज्यादा इसकी हाइट होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजा शाहिद साहब, जो हमें गाइड करके यहाँ पे लेके आए। जी शाहिद साहब, क्या कह रहे हैं कि आज के जिला अफसर के हवाले से, टेक्निकल के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। आप ये बहुत ही खूबसूरत वर्तमान है और बहुत ही अमेजिंग वर्तमान है। आप जब भी कश्मीर में आए तो मुंबई से आप लिफ्ट के लिए और ट्रैकिंग करके यहाँ पे बहुत आराम से पहुँच सकते हो। जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं वोट को डर है तो आदमी इस जगह को विजिट करें। यहाँ पे बहुत ठंड है, यहाँ पर चारों तरफ एक दुआर है और आप इस जगह को विजिट करेंगे तो आप यकीन कश्मीर के नेचर को इंजॉय करेंगे। लास्ट बात, इस जगह पे धूप नहीं लगती है, यानी कि गर्मियों के मौसम में पूरे बाग में जो गर्मी की शिद्दत होती है वो 40 डिग्री से ऊपर जा रही होती है, मगर ये जो एरिया है, ये जो एक्सपीडिशन है, यहाँ पे धूप आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप चारों तरफ कैमरा मैन आपको घुमा के दिखा सकते हैं, यहाँ पे धूप नहीं लगती है। कैमरा मैन आप घुमा सकते हैं, आप कहते हैं कि अभी रोशनी बहुत बड़ी यहाँ पे, रोशनी बहुत तरफ से।